नमस्कार दोस्तों, रावण स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले दो स्टॉक के बारे में, पहले का नाम है आइनॉक्स लिमिटेड और दूसरे स्टॉक का नाम है जैसे कि पीवीआर लिमिटेड। तो दोनों के ऊपर बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, आज तक की सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ बोल सकते हैं, जो आगे जाके शेयर होल्डर और जो कंपनी के लिए बहुत ही फायदा देने वाली होगी। जैसे कि आप लोगों को पता रहेगा, आइनॉक्स और पीवीआर का जो बिज़नेस है, कोविड की वजह से उनकी बहुत ही बड़े बैंड बजी थी, तो उन्होंने बहुत ही बड़ा यहाँ पे ऐलान किया आज के दिन में। जो भी न्यूज़ है पूरे डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आप कोई स्टॉक्स लेते हैं तो खुद का स्टडी ज़रूर करके उसमें बाय और सेल का डिसीजन ले सकते। तो चले पूरे न्यूज़ को पूरे डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे न्यूज़ को देख सकते हैं, सभी जगह पे यही न्यूज़ फैली है आज के दिन में। आइनॉक्स और पीवीआर का बहुत ही बड़ा यहाँ पे मर्जर होने जाना है। लगभग जो है 16,000 करोड़ की यहाँ पे मार्केट कैप वाली कंपनी बनने वाली है। मतलब सोच सकते कितनी बड़ी कंपनी हो गई और उन्होंने इसकी क्यों डिसीजन लिया। देखिए आपको पता है कोविड की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस की बैंड बची थी, तो आगे जाके जो बड़ा टक्कर देने के लिए इनके पास कोई कॉम्पिटिटर नहीं बचेगा अगर एक साथ मर्जर होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पता रहेगा आइनॉक्स और पीवीआर के बीच में टक्कर होता था, दोनों एक दूसरे के साथ भिड़ते थे, तो दोनों का ही नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने बहुत ही बड़ा यहाँ पर डिसीजन लिया आज के दिन में। पूरे न्यूज को आगे डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे शेयर होल्डर का क्या होगा, क्या शेयर होल्डर को कितने शेयर मिलेंगे पीवीआर के बदले, यहां पे पूरे डिटेल में देखेंगे। तो भी मर्जर के बाद कंपनी का नाम होगा जैसे कि पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड कंपनी का नाम होगा, तो उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है जो अजय बिजली जी को किया है, और जिसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो है संजीव कुमार करके किए। मतलब बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, आगे भी न्यूज़ को पूरे डिटेल में देख सकते हैं। जैसे कि आपको लोगों को पता रहेगा लगभग 871 स्क्रीन है पीवीआर के पूरे इंडिया और वर्ल्ड में मिला के, और जो है आइनॉक्स के स्क्रीन देख सकते हैं जैसे कि 675 स्क्रीन है लगभग इंडिया में। मतलब पीवीआर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा कंपनी है इंडिया और पूरे वर्ल्ड में। इनका बहुत सारा बिजनेस यहाँ पे श्रीलंका में भी होगा, जैसे कि आप लोगों को पता रहेगा पीवीआर का बिजनेस श्रीलंका में भी है। तो आगे जाके दोनों को स्क्रीन मिला के लगभग 1546 स्क्रीन हो गए पूरे टोटल इंडिया में। लगभग 109 सिटी में इनका बिजनेस फैलेगा, तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे बिजनेस एक्सपांड होने जा रहा है, एक पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाएंगी। तो आप लोगों का क्वेश्चन ये रहेगा कि जो पीवीआर के स्टॉक्स है तो उनका क्या होगा, जिन्होंने पीवीआर के स्टॉक लेके रखे उन शेयर होल्डर का क्या होगा, आइनॉक्स के शेयर होल्डर का क्या होगा, तो उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता रहेगा अगर कोई एक्स वाई जेड कंपनी किसी एबीसी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है तो वहाँ पे एक स्वैप रेशियो निकाला जाता है दोनों कंपनी की तरफ से। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी इस न्यूज़ में जैसे कि पीवीआर और आइनॉक्स का स्वैप रेशियो निकाला गया है, लगभग जो स्वैप रेशियो 3:10 है। मतलब जिनके पास पीवीआर कंपनी के 3 शेयर रहेंगे तो उनके लगभग 10 शेयर्स मिलेंगे आइनॉक्स के। मतलब सोच सकते हैं जिसके पास 6 रहेंगे उनको आइनॉक्स के मिलेंगे 20 शेयर्स। आप लोग बोलेंगे तो आइनॉक्स में क्या मिलेगा, तो आइनॉक्स में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। जिनके पास फॉर द एग्जांपल आइनॉक्स के 3 शेयर रहेंगे तो उनको 3 के बदले 3 ही मिलेंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा जो पीवीआर का जो स्टॉक प्राइस है बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द आइनॉक्स प्राइस। मतलब सोच सकते हैं जो भी पीवीआर आइनॉक्स के लिए दोनों भी शेयर होल्डर के लिए लॉटरी बोल सकते हैं, क्योंकि बिजनेस बहुत ही बड़ा एक्सपांड हो सकता है। और मेन बात क्या इसमें पता है क्या, इसमें कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं बचेगा मार्केट में। अभी तो फिलहाल पीवीआर और आइनॉक्स में पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा है, तो आगे जाके बिजनेस बहुत ही बड़ा बन सकता है इंडिया में। तो जिस शेयर होल्डर वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करते तो उनकी लॉटरी बोल सकती। इन शॉर्ट ये तो था एग्जैक्टली आज का न्यूज़। तो हम लोग आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि इसमें नई खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मंडे के दिन, फ्राइडे के दिन भी आपने देखा रहेगा लगभग 6% की तेज़ी आई थी यहाँ पे आइनॉक्स, और पीवीआर में बहुत बड़ी तेज़ी आई थी लगभग 1.5% की। तो मतलब सोच सकते किसी को यहाँ पे पहले से पता था कि यहाँ पे मर्जर होने वाला है तो उसी न्यूज़ का फायदा उठाते हुए फ्राइडे में बहुत ही बड़े सर्किट लगे थे। तो मंडे के दिन भी बहुत ही बड़े यहाँ पे तेज़ी आने वाले आइनॉक्स और पीवीआर के स्टॉक्स में। ज़्यादा से चांसेस है पीवीआर में बहुत सारा यहाँ पे उछाल आने की संभावना लगती है, क्योंकि पीवीआर के स्टॉक्स में 3 के बदले 10 शेयर्स मिलने वाले आइनॉक्स के। तो देखना पड़ेगा जैसे ही मंडे के दिन मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पर क्या तेज़ी आ सकती है। देखिए आप अगर पुराने शेयर होल्डर हैं तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आप नए शेयर होल्डर सिर्फ यहाँ पे मर्जर का न्यूज़ देखिए यहाँ पे स्टॉक को खरीदारी करने अच्छी बात नहीं रहेगी, क्योंकि टेम्प्रेरी बेस पे यहाँ पे उछाल आ सकते हैं, बाद में जाके प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ पे कभी भी आप यहाँ पे बाय और सेल कर सकते हैं, लेकिन खुद का स्टडी भी जरूर कीजिए कोई भी स्टॉक लेने से पहले, खुद का स्टडी और एनालिसिस करके इसमें बाय एंड सेल कर सकते हैं। ये तो था आज का न्यूज़। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं।